तो जब यहाँ तक आए हैं हम लोग, इतनी बात कर ली, तो स्प्लीनोमेगैली के कॉजेज भी रिवाइज कर लेते हैं। तो स्प्लीनोमेगैली चूंकि जैसे पर्पस फंक्शंस बता ही चुके हैं तुमको स्प्लीन के क्या हैं, तो चूंकि इसका एक काम है जैसे ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसीज रटे हुए, तो खाली आरबीसी का नहीं, जैसे मैंने बताया ओल्ड इनफिट आरबीसीज, सेलुलर डेब्रिज, कार्सिनोमा सेल्स, है ना, तो प्लस यू नो आरबीसीज का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ल्यूकीमियाज हो गए, ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ सेलुलर ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, हीमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, ये कार्सिनोमा केस है, उन केसेस ब्लड कैंसर है, तो उस कंडीशन में स्प्लीन बढ़ जाए, स्प्लीन का वर्कलोड बढ़ गया है भाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस से खाना, इतना सारा डेब्रिस आ रहा है, सेलुलर डेब्रिस। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि कभी कभार प्री मेच्योर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है, 120 डेज का लाइफ स्पैन है, लेकिन उससे पहले ही यंग आरबीसीज, प्री मेच्योर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लगे, इसको कहते हैं बंटी डिजीज, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी अ कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली, सो प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज बंटी डिजीज वेयर देयर विल बी अ कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली, मींस स्प्लीन में ब्लड भरा, ठीक। अब एक चीज होती है स्प्लीनोमेगैली की, दैट वाज डेब्रिस वाला सेलुलर हो आरबीसीज का, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरल हो सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एचआईवी, दीज आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें स्प्लीनोमेगैली हो। दूसरी कंडीशन ये होती है बैक्टीरियल, जैसे बैक्टीरियल में एक होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, साल्मोनेला टाइप ही वाला इन्फेक्शन। दूसरा है सिफिलिस, इसमें भी स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक। अब आता है पैरासिटिक मलेरिया, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगैली इंडिया में वो है मलेरिया, तो मलेरिया एक वन रीजन हो गया। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक चीज होती है, ठीक है, इसमें भी स्प्लीनोमेगैली मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो ये तो हो गए डेब्रिस वाला, सेलुलर डेब्रिस का कारण बनेगा हीमोलिसिस वगैरह से, दूसरा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बता दी। अब एक होता है सिस्टमिक कॉज वो है, वो रिवर्स, यानी ब्लड वापस आ रहा है, आगे नहीं जा रहा, वो क्या होता है, लिवर का कॉज, हेपेटिक सिरोसिस, यानी लिवर सिरोसिस हो गया, जैसे एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इन कंडीशन में भी अगर स्प्लीनिक वेन का ब्लड आगे ही नहीं बढ़ रहा है, पोर्टल वेन से वापस आ रहा है, तो सारा ब्लड वापस स्प्लीन में पहुंच रहा है, तो फिर स्प्लीनोमेगैली, यानी इट कैन बी अ कॉज सेकेंडरली टू द हिपेटोमेगैली। अब वो वायरल हेपेटाइटिस हो, फैटी लिवर डिजीज हो, सिरोसिस हो, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, ठीक। तो ये सब हो गया स्प्लीनोमेगैली के कॉजेस।